मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज जा रही है? हेलो, आवाज ठीक है मेरी? हेलो। ओके, तो वर्क एनर्जी पावर, यही हमारा टॉपिक चल रहा है। पहले मैं ये एक रेंज ले लूं। रेंज मेरा ये है और रेंज ठीक है, और दूसरा रेंज मेरा है लगता है यहाँ से। तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, ये चीज हो गया हमारा। और एक तरह से देखा जाए तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, वर्क एनर्जी पावर। तो आज क्या मैं करूंगा कि सारे जो भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उसका हम लोग, हाँ गुड मॉर्निंग, एक बार यूनिट डिस्कस कर लेंगे, फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे, है ना, ये सब बातें डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा बहुत और है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी एज वी नो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, ये तो हम लोग जाने हैं। और साथ में ये भी बोला जाता है, एनर्जी चेंजेस इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, जैसे अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात की जाए, अभी ही हम जो बोल रहे हैं दैट इज साउंड एनर्जी। जो मैं बोल रहा हूं दैट इज व्हाट, साउंड एनर्जी। और ये आवाज मेरी जो है वो माइक्रोफोन में जा रही है। इट मीन्स साउंड एनर्जी किस रूप में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अभी मैं जो बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बता रहा हूं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मैं बता रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मैंने क्या बताया कि मैं जो बोल रहा हूं दैट इज व्हाट, साउंड एनर्जी, दैट इज साउंड एनर्जी। और ये मेरी आवाज जो माइक्रोफोन में जा रही है, मोबाइल के माइक्रोफोन में, तो क्या मैं वो बदल गया, बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि एनर्जी ना डिस्ट्रॉय हो रहा है ना क्रिएट हो रहा है, एनर्जी चेंजेज इट फॉर्म,
साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो डिवाइस हुआ दैट इज नोन एज माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का ही काम है। ओके, अब ये जो अगर हम इसका डिवाइस का नाम दें एग्जांपल में, तो दिस विल बी माइक्रोफोन, या शॉर्ट में आप माइक जिसको कहते हैं, माइक। माइक का स्पेलिंग MIC होता है। ओके, नाउ अगर आपसे बोला जाए कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी का एग्जांपल दो, तो क्या एग्जांपल देंगे आप? इलेक्ट्रिकल, गुड, रेडियो, रेडियो हो गया, ठीक बताइए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, इसमें आपको आ गया बहुत अच्छा एग्जांपल भी, रेडियो, है ना। फिर और भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट समझ में आए वही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो एग्जैक्ट हम लोग को समझ में आए, जो हम लोग क्लास 9th में डिस्कस करेंगे या क्लास 10th में। जैसे लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका कोई एग्जांपल? सोलर सेल, गुड, सोलर सेल, बहुत अच्छा, सोलर सेल इज एक एग्जांपल हुआ, क्योंकि सोलर सेल में क्या होता है, उस पे सनलाइट गिरता है और उसके अंदर कुछ वैसा रिएक्शंस होता है जिसके बदले में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। ये हो गया। फिर आप केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जा सकते हैं, दैट इज बैटरी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें क्या हो जाएगा, बैटरी, है ना, होगा ना जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपका एग्जांपल हो गया इसमें बैटरी, हो गया। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में लिख भी सकते हैं इसको, मैं भी ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, अच्छा रहेगा, है ना। यही हम Now we will discuss some numerical also. और ये यदि आपसे पूछा जाता है कि what are the types of energy, अच्छा होगा कि आप वहाँ kinetic energy और potential energy लिखेंगे, ठीक है, kinetic energy and potential energy, ज़्यादा better यही होगा। और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यदि पूछा जाता है तब आप सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। ओके, अगर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पूछा जा रहा है तो आप ये सब लिखेंगे, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, और अगर टाइप्स ऑफ एनर्जी पूछा जा रहा है तो आप वहां दो को ही डिस्कस करेंगे, दैट विल बी
व्हाट, क्या क्या होगा वो टाइप्स ऑफ एनर्जी में बताइए। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ओके। हाँ, और दोनों को कंबाइंड वे में हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। एक और हमको ध्यान में आ रहा है, एक ऐसा एग्जांपल जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। अभी बोलते बोलते मुझे एक ध्यान में आया, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो नहीं हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मोटर, वेरी गुड। मोटर, मोटर में आप क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, है ना, और उसके बाद आप उससे जो वर्क करते हैं दैट इज मैकेनिकल वर्क। यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में अगर कोई डिवाइस पूछा जाए कि विच चेंजेज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, देन इट इज मोटर। अच्छा, अब एक तो ये बात हो गया, दूसरा एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, ओके। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। कोई बताएगा कि सीजीएस यूनिट क्या होता है एनर्जी का? और वेरी गुड। और जिस तरह से आप कन्वर्ट करते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि दिस इज एमकेएस, ये एमकेएस हुआ और दिस इज सीजीएस। तो वैसे ही मैं जानना चाहूंगा कि एनर्जी का एसआई यूनिट जो हुआ वो जूल हुआ, ओके, और सीजीएस जो हुआ वो आपका हो गया अर्थ। तो जिस तरह से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, उसी तरह से 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्थ? हाँ, ये किस बच्ची का आवाज है? ओ, 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्थ, वेरी गुड। तो ये भी एक जानकारी ले ले आप। आप यदि क्लास 10th में एक एग्जाम होता है स्कॉलरशिप का, और अभी भी तो शायद आप लोग दिए भी कुछ भरे होंगे ओलंपियाड की, एक है ना, शायद कुछ कुछ बच्चा भर रहा है, उन सब में आपको ये सब बातें जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो थोड़ा आउटस्टैंडिंग नॉलेज भी चेक करता है। उसी तरह से मैं जानना चाहूंगा फोर्स का ऐसा यूनिट, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, होता है ना न्यूटन। सीजीएस क्या होता है? सीजीएस डाइन, डाइन, डाइन। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन? ना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन। तो ये यूनिट बताया गया, सीजीएस में अर्ग हुआ एनर्जी का यूनिट, और एमकेएस में या एसआई यूनिट में जूल हुआ। ओके, आप एक क्वेश्चन लिखें, मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, अविनाश कैन रन विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। अविनाश
कितने स्पीड से चल रहा है? 8 मीटर पर सेकंड। एक जो शॉर्ट में बात है वो लिख लेता हूं। अविनाश गलत है कि 8 मीटर पर सेकंड। और अविनाश का तो हो गया अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है और कपिल कपिल मूव कर रहा है, कपिल मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। तो सवाल है हु इज मोर पावरफुल, हु इज मोर पावरफुल, बताइए। जवाब आ गया अविनाश, अविनाश इज मोर पावरफुल। एक बात सुनो, अभी तो फिलहाल तुम लोग देखे होगे कि यह फोर्स है वेलोसिटी है, फोर्स है वेलोसिटी है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन तब भी छोटे 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 सवालों में भी आप लॉजिक को ध्यान में रख के ही बनाइए तो ज्यादा बेटर होगा। फ्रिक्शनल फोर्स यहां दिया है और आप जो यूज करते हैं दैट इज एक्सटर्नल फोर्स या फोर्स अप्लाइड बाय यू। तो यहां यही हुआ कि जब अविनाश चल रहा था तो उसको पीछे की ओर 10 न्यूटन लग रहा था, है ना? इसलिए आगे बढ़ने के लिए वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा? 10 न्यूटन। तो ये बात दिमाग में रख के बनाना, ठीक है? आपका आंसर आया अब सही है, लेकिन क्या होता है कि इन छोटे छोटे क्वेश्चन में ही लॉजिक को ध्यान में रखना चाहिए। तो 10 न्यूटन हो गया और तब आप आराम से इसका पावर निकालते हैं तो F1V1 दैट विल बी 10 × 8 यानी 80 वाट। वेरी गुड, 80 वाट। और वही कपिल के केस में भी वही सेम बात, पावर ये P1 हुआ, ये P2 हुआ, यानी F2V2 यानी 25 × 3 75 वाट। इट मीन्स अविनाश इज मोर पावरफुल। सब लोग का आया भाई? ओके, हाँ। चलिए नेक्स्ट आपका A ball of mass 300 ग्राम, a ball of mass 300 ग्राम, ठीक है? मास 300 ग्राम falls from a height of 4 meter, वो गिर रहा है 4 meter के height। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन जस्ट रिचेस द ग्राउंड,
इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब वो ग्राउंड रीच करेगा? बनाइए, बना सवाल सुन लिए? रिपीट, अ बॉल ऑफ मास 300 ग्राम, बॉल है जिसका मास 300 ग्राम है और वो 4 मीटर के हाइट से गिरा है, 4 मीटर के हाइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब वो ग्राउंड रीच कर रहा होगा उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? क्या खुशी कुमारी? हाँ, 12 जूल, 12 जूल करेक्ट आंसर। अब कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, मैं बता दे रहा हूं कि जब मैंने पूछा काइनेटिक एनर्जी तो सोच रहे होंगे हाफ एमवी स्क्वायर लगा दें, और फिर उनको लग रहा होगा कि हाफ एमवी स्क्वायर लगाए, मास दिया हुआ है, वी दिया हुआ नहीं है, वी अगर जाते हैं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना? ठीक है, वे ओके है, लेकिन सबसे अच्छी बात कि जस्ट रीचेज द ग्राउंड, यानी जब कोई 4 मीटर के हाइट पे है ना, मास 300 ग्राम, तो इस समय पूरा का पूरा इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब वो नीचे गिर रहा है, नीचे पहुंच रहा है, तो अब पूरा का पूरा वो क्या में बदल गया, काइनेटिक एनर्जी। यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मीन्स MGH, यानी 300 बाय 1000 इंटू 10 इंटू 4, 12 जून। ऐसे ही सब लोग बनाए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही फॉलो की थी। हेलो, यस यस, 9 पॉइंट यूज कर रही थी। ओके सो प्रिया, यस सर, वेरी गुड। हाँ ले सकते हो, ले सकते हो, लेकिन अभी यहां समझना है, इसीलिए मैंने 10 ले लिया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A certain household has consumed 250 units of energy. Energy consumed is 250 units. Okay. आपसे पूछा जा रहा है during a month. Okay. जैसे बिजली बिल आता है ना आपके घर में, तो आपसे मीटर रीडर बोलते हैं कि 250 यूनिट आपने कंज्यूम किया है ड्यूरिंग अ मंथ। सवाल किया जा रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल, जूल जूल में क्या होगा? 250 यूनिट तो ठीक है, लेकिन एज वी नो दैट SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, है ना? यूनिट, यूनिट मीन्स किलोवाट आवर, ओके, एंड किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी,
तो आपको बताना है इन जून, इन जून बताइए। ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड हो गया ना, भूकंप पहले हाँ वेरी गुड। कौन बच्ची बोल रही है ये? वेरी गुड, बहुत अच्छा फास्ट कैलकुलेशन है आपका। 250 यूनिट, और हम जैसा जान रहे हैं कि वन यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर, एंड 1 किलोवाट आवर मीन्स 3.6 × 10⁶ जूल। ओके, देयरफॉर 250 यूनिट मीन्स 250 × 3.6 × 10⁶। और जैसा कि खुशी सिंह ने बताया कि फाइनल आंसर इज 9 × 10⁸। द फाइनल आंसर इज ये। और कितनी लोग का आया आंसर? और कोई लोग बनाए जी? यस सर, ओके। अच्छा, एक यहां पर क्वेश्चन दे रहा है, हाँ इसमें डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा। एक दो तीन चार, ठीक है, ये और ये है ना, और आपको इस तरह से ठीक। ये एक हम लोग समझे कि गोलंबर है, ठीक है, गोलंबर है जिसमें आपको टोटल 6 रास्ते हैं। क्वेश्चन इज दैट अ बॉय इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। ठीक, आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर ही फॉरगॉट द करेक्ट पाथ। ठीक है, एट अ राउंड पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर। हाउएवर ही मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ फॉर 1.5 साइकिल एंड देन मूव्स फॉरवर्ड अप टू 2 किलोमीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ आया? फ्रिक्शनल फोर्स है 5 न्यूटन का, रोड उसको रोड के द्वारा लग रहा है बच्चे पे, और उसको चलना था स्ट्रेट रोड पे, यानी ये वाले पे, ये वाले
तो क्या हुआ कि 1.5 किलोमीटर जब वो चला तो रास्ता थोड़ा भूल गया, कंफ्यूज हो गया। अब बेचारा क्या किया, कंफ्यूज हो गया तो वो एक चक्कर लगाया, फिर लगा हम तो वही है भाई, फिर आधा चक्कर लगाया। तो सोचने वाली बात है, एक चक्कर लगाएगा तो वही रह जाएगा, आधा चक्कर लगाएगा तब तो इस रोड पे आएगा, उसको स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, इस पे चल रहा है ना। तो 1.5 किलोमीटर चलने के बाद वो करेक्ट पाथ भूल गया, तो ये जो गोलंबर था वो 100 मीटर का रेडियस है उसका, 100 मीटर रेडियस है, तो इसने वो 1.5 साइकिल लगाया और तब जाकर वो स्ट्रेट रोड पकड़ा और 2 किलोमीटर गया। ठीक, इधर 1.5 किलोमीटर चला था, फिर 1.5 साइकिल चला और तब उसको रास्ता मिला 2 किलोमीटर। तो बताइए, व्हाट इज द वर्क डन बाय हिम, क्या वर्क डन हुआ? बताओ, क्या हुआ बगड़न? आपको मैं बता दूं, वर्गडन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड निर्भय, निर्भय का आंसर आ गया है। यहां पर फिर हम एक लॉजिक की बात करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ गया। आपसे मेरा सवाल है कि जिन बच्चों ने सवाल बनाया उनसे मेरा सवाल है कि आपका जो आंसर आया है 22210, जिसमें आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए किया होगा इस्तेमाल 1.5 किलोमीटर प्लस प्लस आपने किया होगा कि यह सरकमफेरेंस का इस्तेमाल किया होगा, है ना? सरकमफेरेंस वैसे घुमा, निर्भय एंड प्रज्ञा यही ना किए होंगे, और तब उसने 2 किलोमीटर ऐड कर दिए। ठीक, तो मेरा सवाल ये है कि जब हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जानते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने ये जो इतना 1.5 के लिए मैंने जो सर्कमफेरेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। ठीक, अच्छा, तो डेढ़ के देर जो 1.5 राउंड का जो मैंने ये लिया कॉन्सेप्ट डिस्टेंस के लिए, वो क्यों लिया जबकि मुझे यहाँ डिस्प्लेसमेंट का जरूरत, ये मुझे बताइए। डिस्प्लेसमेंट तो होता है इनिशियल एंड फाइनल, है ना? वेरी गुड, कौन बोल रहा है ये बात? बहुत अच्छा निर्भय। फ्रिक्शनल फोर्स, सबसे बड़ा बात है यहां कि हियर इट इज रिटन फ्रिक्शनल फोर्स। जो बच्चे अंधाधुन बना रहे हैं वो सुनिए, अगर यहीं पर ये फोर्स लिखा रहता, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता, मान लिया इलेक्ट्रिक फोर्स रहता, तो बात बदल जाती। बहुत अच्छा बात निर्भय बोला है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया है कि फोर्स को कैटेगराइज किया गया है 2 फोर्स को, एंड वन इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड द अनदर इज नॉन कंजर्वेटिव। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है
वो क्या करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पास्ट, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखता है कि मैंने इनिशियल कहाँ थे मैं और मैं फाइनली कहाँ। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वहां जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको मतलब नहीं है कि आपने ब्लॉक को ऐसे करके ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया, उसको इससे नहीं मतलब। उसको मतलब है कि शुरू में कहाँ थे और बाद में कहाँ थे, बस ऐसे डायरेक्ट। कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। और आपको यह भी मैं बता दूं कि जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा, आप उसमें अगला टॉपिक जरूर पढ़िएगा, पोटेंशियल। जैसे आप पढ़े ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो दैट इज कंजर्वेटिव, वो तो नीचे खींचता है ना। आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहाँ एक बुक में मैंने देखा है, शायद वो बुक था ऑसवाल, ऑसवाल आप लोग में बहुत पॉपुलर बुक हो जाता है, लेकिन उसमें याद रखिएगा बहुत एरर रहता है प्रोसेस वगैरह में। तो एक बच्ची हमसे पूछने आई, तभी मुझे लगा ये कि उसने डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल कर दिया था। नहीं होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसीलिए यहां जितना पाथ वो कवर किया सारे को हम काउंट करेंगे। ओके, सारे को हम लोग काउंट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत अच्छा निर्भय, अच्छा लगा जानकर कि आप कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जानते हैं। आर्य सर क्या बोले? हाँ, अरे हम नोट्स इतना सुंदर बनाए हैं ना कि तुम लोग बहुत पसंद करोगे, बहुत अच्छा। ठीक, चलो। अच्छा ये बताओ, पार्टिसिपेंट बहुत कम रह रहा है आजकल, क्यों? आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, कल तो इलेक्शन है ना, कल तो शायद क्लास सस्पेंड हो, मे बी, मैं नहीं जानता हूं। और टाइम, हाँ ऋषभ, टाइम हो जाएगा तो उससे ज्यादा हम लोग रहेंगे भी नहीं, समझ गया ऋषभ? क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, 40 मिनट के क्लास होने के बाद ये खुद ऑफ हो जाता है। कभी कभी देखते होंगे कि कुछ अधूरा वाक्य रह जाता है और हम लोग उड़ जाते हैं, है ना? ये बात है, तो समझ गए? ओके, निर्भय ने कह दिया हैव अ नाइस डे सर, लेकिन हम सोच रहे थे कि और एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते। बाय, ओके, चलो भाई, ओके, जरूर 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 जरूर।